हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स लेक्चर्स बाय साक्षी शर्मा। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेज में हमने स्टडी किया था रिलेटिविटी ऑफ टाइम, रिलेटिविटी ऑफ मास, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस एट्सेट्रा, जिन्हें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए अब हम इनके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिविटी ऑफ मास की, या जिसे हम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी भी कहते हैं। तो जब हमने रिलेटिविटी ऑफ मास डिस्कस किया था, तब हमने एक रिलेशन डिराइव किया था। वो रिलेशन है m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे जो m नॉट है वो है रेस्ट मास और m यहाँ पे है रिलेटिविस्टिक मास। ये रिलेशन ये शो करता है कि किसी भी बॉडी का मास उसकी वेलोसिटी के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। अब ये जो रिलेशन है, इसे हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से वेरीफाई कर चुके हैं, जिनमें बुशेरर जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे इस रिलेशन की वैलिडिटी प्रूव हो सके, ये प्रूव हो सके कि ये रिलेशन वैलिड है, एक्यूरेट है। उन्होंने कहा कि जो रेशियो होता है ऑफ चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो स्मॉलेस्ट होता है फॉर फास्ट इलेक्ट्रॉन्स देन फॉर स्लो इलेक्ट्रॉन्स। यानी बुशेरर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी फास्ट मूव कर रहे होंगे या काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो उनका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा देन फॉर द स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, बुशेरर के अकॉर्डिंग जो चार्ज टू मास रेशियो है वह ई इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये स्मॉलेस्ट होता है। मान लेते हैं ये जो रेशियो है के इक्वल है और के स्मॉलेस्ट है फॉर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये जो के है ये एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो के अगर स्मॉलेस्ट है तो इट मीन्स एम मैक्सिमम होगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन्स के मास की। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव कर रहे होंगे या काफ़ी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उनका मास मैक्सिमम होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा वो उनकी वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होगा। अब ये जो मास में इंक्रीमेंट हो रही है विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ये एक लिमिटेशन लगाती है एनर्जी के ऊपर, जिस एनर्जी तक हम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन्स एंड लीनियर एक्सेलरेटर्स। इट मीन्स क्योंकि वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने से उन पार्टिकल्स का मास भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो सिर्फ एक सर्टेन एनर्जी लिमिट तक ही हम उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन्स एंड लीनियर एक्सेलरेटर्स। लेकिन हम उन पार्टिकल्स को फर्दर भी एक्सेलरेट कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें उस साइक्लोट्रॉन को मॉडिफाई करना होगा, इस तरह मॉडिफाई करना होगा कि जो भी पार्टिकल्स के मास में इंक्रीज़ हो रहा है विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी, उसे कंपनसेट किया जा सके, या आप कह सकते हैं बैलेंस किया जा सके। अब ये जो मास में इंक्रीमेंट हो रही है विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी, इसे हम बैलेंस कर सकते हैं आइदर बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड और बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी ये जो पार्टिकल्स के मास में इंक्रीज़ हो रहा है, इसे हम बैलेंस कर देंगे, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दें या फिर जो अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर दें। इन दोनों ही तरीके से जो पार्टिकल के मास में इंक्रीमेंट हो रही है विद द इंक्रीज़ इन वेलोसिटी, उसे हम कंपनसेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रिलेटिविटी ऑफ मास में हमने जो रिलेशन डिराइव किया है उसे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो हमने एक एनर्जी मास रिलेशन स्टडी किया था जिसे हम मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे ई जो है एनर्जी के लिए, एम मास के लिए और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज़ किया है। अब ये जो रिलेशन है इसे भी हम ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं आइदर बाय जो एनर्जी रिलीज्ड हुई है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस उसकी हेल्प से, बाय एनिहिलेशन ऑफ मैटर एंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। यानी अगर हमें इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है तो उसे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं
एक तो जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में उसकी हेल्प से, एनिलेशन ऑफ मैटर की हेल्प से, और जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की जो वैल्यू होती है उसकी हेल्प से भी हम इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। इन सभी केसेस में जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस इन मास बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मान लेते हैं कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले जो पार्टिकल था उसका मास है एम आई, एम इज द मास ऑफ द इनिशियल पार्टिकल, और आफ्टर दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन उसका मास हो जाता है एम एफ। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दिस इज इक्वल्स टू एम आई माइनस एम एफ, यानी डिफरेंस इन मास ऑफ द इनिशियल पार्टिकल एंड फाइनल पार्टिकल इंटू में सी स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंसेज इन मासेज विद द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस तरह से भी हम उसकी एनर्जी को देख सकते हैं। अब ये जो एनर्जी की वैल्यू आई है ये उसी फॉर्म में आई है जिस फॉर्म में ये होती है, दैट इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू जो हमने अभी देखी है इज इक्वल्स टू एम आई माइनस एम एफ इंटू सी स्क्वायर, ये उसी फॉर्म की है जो हमारी ये है। तो इस तरह से हम मास एनर्जी रिलेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। अब थर्ड हम बात करते हैं टाइम डायलेशन की। देखिए जो टाइम डायलेशन है इसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसे वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द डिके ऑफ म्यू मेज़ोन पार्टिकल, यानी जो म्यू मेज़ोन पार्टिकल है उसके डिके की हेल्प से हम टाइम डायलेशन, जो कि एक कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यू मेज़ोन पार्टिकल क्या होता है। देखिए जो म्यू मेज़ोन पार्टिकल है ये एक अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसकी जो मीन लाइफ है काफ़ी कम होती है, जो कि 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड्स है। ठीक है, अब ये जो हमने मीन लाइफ कैलकुलेट की है ये किसी रेफरेंस फ्रेम में कैलकुलेट की है जिसमें ये एलिमेंट्री पार्टिकल रेस्ट में होता है। अभी हम ये देखते हैं कि म्यू मेज़ोन पार्टिकल प्रोड्यूस कैसे होते हैं। देखिए जब कॉस्मिक रेज एटमॉस्फेयर के टॉप पे फॉल करती हैं तब ये रेज, जैसे हम मान लेते हैं इस तरह से कॉस्मिक रेज हैं, ये एटमॉस्फेयर के जब टॉप पे फॉल करती हैं तो ये जो आपकी कॉस्मिक रेज हैं ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस के न्यूक्लियाई हैं उनसे इंटरेक्ट करती है, और इनके इंटरेक्शन की वजह से ही मेज़ोन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेज़ोन पार्टिकल्स हैं ये फर्दर आपके डिवाइड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो ये डिके हो जाते हैं म्यू मेज़ोन पार्टिकल्स में। अब ये जो म्यू मेज़ोन पार्टिकल्स है ये अर्थ की तरफ मूव कर रहे होते हैं विद द वेलोसिटी अबाउट 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। अब ये जो वेलोसिटी है ये कंपेरेबल है टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब जब ये अर्थ की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो ये फर्दर ये अदर पार्टिकल्स में डिके हो जाते हैं जिनकी लाइफ होती है 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस देखें कि कितना डिस्टेंस ये म्यू मेज़ोन पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं इन देयर मीन लाइफ टाइम, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो ये है और टाइम ये है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो डिस्टेंस आ जाएगा 660 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कोई भी म्यू मेज़ोन पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे रीच नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो एटमॉस्फेयर का टॉप है और जो अर्थ का सरफेस है उनके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, इट मींस 10,000 मीटर, बट यहाँ तो 660 मीटर ही आया है। इसका मतलब कोई भी म्यू मेज़ोन पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे रीच नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ म्यू मेज़ोन पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और थियोरेटिकल हम देख रहे हैं कि म्यू मेज़ोन पार्टिकल सिर्फ 660 मीटर तक ही ट्रैवल कर सकते हैं वाइल दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है और उस पैराडॉक्स को हम कहते हैं मेज़ोन पैराडॉक्स। अब ये जो मेज़ोन पैराडॉक्स है इसे हम ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिनोमेना ऑफ टाइम डायलेशन। देखिए टाइम डायलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो मीन लाइफ होगी किसी भी म्यू मेज़ोन पार्टिकल की किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब वो ऑब्जर्वर अर्थ पे प्रेजेंट है, तो देखिए उससे हमारा टाइम निकल सकता है टी इज इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c². ये फार्मूला जब हमने रिलेटिविटी ऑफ टाइम डिस्कस किया था, जिसे हम टाइम डायलेशन भी बोलते हैं,
तब हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पे हम टी नॉट की और इसकी वैल्यू वी की पुट करेंगे तो यहाँ टाइम की वैल्यू आ जाएगी 34.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 सेकेंड्स। अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो अगेन डिस्टेंस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ये वेलोसिटी है, टाइम ये आ गया। यहाँ जो आएगा आपका डिस्टेंस वो आएगा 10,430 मीटर। इट मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी आपके म्यू मेज़ोन पार्टिकल्स हैं वो अर्थ की सरफेस पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस उसी के बराबर है जितना एटमॉस्फेयर के टॉप से सरफेस ऑफ अर्थ का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ म्यू मेज़ोन पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ टाइम डायलेशन। तो इस तरह से जो एसटीआर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हें हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थैंक यू।